महाराष्ट्र में सरकार कैसे बनेगी? कांग्रेस एनसीपी ने एक कमेटी बनाकर बातचीत करने का फैसला किया है। उसके बाद यह कमेटी जो तय करेगी वो शिवसेना से बात करेगी। तो शरद पवार ये कहते हैं कि हम इंतजार करेंगे, हम जल्दबाजी में नहीं है। तो अजीत पवार कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि आप अभी आप देख रहे, तबीयत ठीक है और काम को जा रहा हूँ। राजनीति चलती रहेगी। महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। चलो, सबके साथ बात चल रही है। मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा। संजय राउत, तबीयत खराब थी, अस्पताल में। बात चल रही है, मुख्यमंत्री शिवसेनेचा होणार। मुख्यमंत्री शिवसेना। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना का ही मुख्यमंत्री बनेगा। अस्पताल में पिछले दो दिन से भर्ते थे संजय राउत, उनकी तबीयत खराब थी। सुबह कांग्रेस के नेता संजय राउत से मिलने अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन इस वक्त उनकी छुट्टी हो चुकी है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा। संजय राउत ने अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही पहली प्रतिक्रिया में यही कहा है। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि जो भी गतिविधियाँ हों, लेकिन आप ये मान लीजिए कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा। अब बीजेपी का कहना है कि वो लोग भी कोशिश करेंगे सरकार बनाने की। लाख कोशिश करेंगे। उनको मौका दिया था राज्यपाल महोदय ने। अगर किसी को तोड़ फोड़ कर विधायक खरीद कर कोई बनाना चाहता है तो सर वहीं पे जो राज्यपाल है उन्होंने अपना मौका नहीं दिया शिवसेना। अब उस बारे में फैसला हो जाएगा। संजय राउत, उन्होंने आज तक से बात करते हुए कहा कि कहीं ना कहीं पूरी कोशिश है शिवसेना की सरकार बनाने की, और अगर मुख्यमंत्री कोई होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ शिवसेना का होगा। मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक, सॉरी बॉम्बे। आज शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। संजय राउत ने अस्पताल से छुट्टी मिलते ही सबसे पहले ये बात कही है। उधर कांग्रेस और एनसीपी ने कमेटी बनाकर दोनों ने सरकार किस तरह से बनेगी, क्या क्या उसमें मुद्दे होंगे, क्या रूपरेखा होगी, तमाम तय करने के लिए कमेटी बना दी है। कमेटी जो भी प्रारूप तय करेगी, जो भी खाका तैयार करेगी, उसके बाद वो शिवसेना के पास जाएगा और उसके बाद कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना तीनों मिलकर तय करेंगे। लेकिन शरद पवार, एनसीपी प्रमुख, ने ये कहा है कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हमारे पास अभी बहुत समय है, हम आराम से फैसला लेंगे। लेकिन संजय राउत की बात एक बार फिर अस्पताल में भर्ती थे, तबीयत खराब थी संजय राउत की। जब उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई, उन्हें डिस्चार्ज किया गया, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा अस्पताल से बाहर निकलते ही। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि बीजेपी ने 3 दिन की बैठक अपने विधायकों की बुला ली है और 3 दिन तक बीजेपी भी मंथन करेगी। नारायण राणे कल साफ साफ कह चुके हैं कि हम सरकार बनाने की पूरी हर संभव कोशिश करेंगे, हर कीमत पर सरकार बनाने की कोशिश हमारी जारी रहेगी। साम दाम दंड भेद हम हर चीज करेंगे, लेकिन हम सरकार बनाएंगे। तो बीजेपी लाख कोशिश करे कामयाब नहीं होगी, संजय राउत ये भी कहते हैं। तो बीजेपी ये कहती है कि हम लाख कोशिश भी करेंगे और सरकार बनाने की पूरी हमारी कोशिश अंतिम दम तक रहेगी। इसके लिए हम साम दाम दंड भेद हर तरह का हथकंडा भी अपनाएंगे। तो अब वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन बैठकों का दौर भी साथ साथ चल रहा है। शिवसेना,
कांग्रेस एनसीपी तीनों की कमेटी बन चुकी है। बीजेपी ने अपने तमाम विधायकों को बुला लिया है, 3 दिन की इनकी बैठक बुला ली है। मध्यावधि चुनाव को लेकर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त जो राजनीतिक स्थिति है उस पर भी बीजेपी अपने विधायकों से चर्चा करेगी और वो चर्चा लगातार चल रही है। सबसे पहले जो कमेटी बनी है वो बन चुकी है एनसीपी की। एनसीपी ने कहा कि कांग्रेस और हम मिल बैठकर ये तय करेंगे कि हमें शिवसेना के साथ किस तरह से सरकार बनाना चाहिए, कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। संजय राउत जब अस्पताल से बाहर आते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि शिवसेना का ही मुख्यमंत्री होगा और बीजेपी का सपना सरकार बनाने का सपना होगा। फिर से मोर्चे पर लौट आए हैं, अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल गई है और एक बार फिर से संजय राउत ये कह रहे हैं कि शिवसेना का ही मुख्यमंत्री होगा। तो शिवसेना के एक बड़े नेता संजय राउत एक बार फिर से राजनीतिक मोर्चे पर आ गए हैं, डट गए हैं, उनके अस्पताल से छुट्टी हो गई है और वो फिर से इस बात पर अड़ गए हैं और ये बात उन्होंने बहुत ही दृढ़ता के साथ कह दी है कि मुख्यमंत्री तो शिवसेना का ही बनेगा, बीजेपी लाख कोशिश कर ले लेकिन वो सफल नहीं होगी। तो संजय राउत एक बार फिर से राजनीतिक मोर्चे पर फिर से वो आ चुके हैं, अस्पताल से उनकी छुट्टी हो गई है। सुबह कांग्रेस के नेता उनसे मिलने पहुंचे थे, 2 दिन से वो अस्पताल में भर्ती थे, उनकी तबीयत खराब थी और स्वास्थ्य को लेकर उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से छुट्टी होने के बाद एक बार फिर से उग्र तेवर संजय राउत के यहाँ पर दिखाई दिए हैं। तीखे स्वरों में उन्होंने कहा है कि हाँ, शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा लेकिन बीजेपी का सरकार बनाने का सपना जो है वो पूरा नहीं होगा। जबरदस्त हलचल महाराष्ट्र में चल रही है। शिवसेना क्या सरकार बना पाएगी, क्या कांग्रेस एनसीपी उसका साथ देंगी या बीजेपी भी रेस में सरकार बनाने की, देखते रहिए आज तक।